हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ये नए डिजाइन का पायदान बनाएंगे। ये पायदान हमने 25 फंदे से बनाया है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये 25 फंदे डाले हैं, फिर ये 25 फंदे डालने के बाद फिर ये 25 लाइन ये बनती है, मतलब लगभग 25 लाइन बनाएंगे, मतलब 50 सलाई ये बुनी जाएंगे, 50 उल्टी साइड से, 50 सीधे साइड से। जब ये 25 लाइन ये तैयार होगा, इसको बनाने के बाद फिर ये जितनी भी कलियाँ बनती हैं सब में 25-25 फंदे ही उठाते हैं सारे में, और ये सारी कलियों सब कलियों में एक एक साइड से ही फंदे घटते हैं। सिर्फ ये और ये चार कली जो हैं जिनमें कि दोनों साइड से फंदे घटाए जाते हैं। इसमें कहीं सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारे आपस में सिलते जाते हैं। यहाँ पे ये फंदे इसके साथ उठा करके बुनते हैं तो ये सिल जाता है, कहीं भी सुई से सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको अब हम आपको बनाना बताते हैं। सबसे पहले इसमें हम 25 फंदे डालेंगे, एक इसमें हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा पूरा बुनते जाएंगे। हमारे पूरे सिलाई हमने निकाले, पूरे फंदे बुन लिए। वापस ये फंदा उतार लेंगे। उतारने के बाद ये जो हमने छोड़ रखा है इसको भी इसके बीच में ले लेंगे। इसके बीच में लेते हुए इस तरह से बुन लेंगे। साइड का हर बार ये फंदा एक उतारते जाएंगे, जिससे हमारा ये हमारा यहाँ पे फली सा बनता जाएगा, क्योंकि हमें आगे फंदे उठाने पड़ेंगे तो इससे आसानी रहेगी उठाने में। फिर इसी तरह से हम उल्टा उल्टा इस तरह से हमारी पूरी जो हमारे 25 फंदे हैं तो 25 लाइन उल्टे की आनी चाहिए, यानी हमें 50 लाइन बुनना पड़ेगा इस तरह से, और ये लाइन 25 आ जाएगी। इस तरह से हम पूरा बुन कर कंप्लीट कर लेंगे। अब पूरा बुन के हम बताते हैं आपको। हमें ऐसे ही 25 लाइन यानी 50 सलाई बना के तैयार करना है, जो कि हमने ये पहले से ही बना रखा है। ये अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगा के आपको बताएंगे। यहाँ से हम ये दूसरा कलर जोड़ लेंगे। दूसरा कलर हमेशा उल्टी साइड से इसको लगाना है। तो इस तरह से दोनों इसके ऐसे साथ लेते हुए पहले दो सलाई हम बुन लेंगे। इस तरह से हम पहले दो सिलाई उल्टी उल्टी पूरी बुनते जाएंगे। हमने ये 25 फंदे का बनाया है, आप इसे 40-50 जितना भी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है।
ये फंदा उतार लेंगे और इसको पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे। ये ऐसे उतारने से इस तरह से इसमें फली आती रहेंगे। फिर सिलाई को पलट के वापस फिर पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बुन लेंगे, लास्ट में तीन फंदे रह जाएंगे, वहाँ तक हम बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई बुन ली, अब ये लास्ट के तीन फंदे रह गए हैं, ये दो फंदे हम एक साथ बुन लेंगे तो हमारा एक फंदा घट जाएगा। फिर इसको पलट करके ये फंदा ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद इस साइड से सिलाई को पलट के इस साइड से इसको बुन लेंगे। इस तरह से बुनने से ये पूरा फली फली से आती है। अब ये फिर पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये पायदान चुन्नी से बना रही हूँ, आप साड़ी या कोई भी कपड़ा हो उससे आप बना सकते हो इसको। अब इस साइड से कुछ भी नहीं करना है, इधर से कोई फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ एक साइड से ही एक एक फंदे घटाने हैं। इस साइड हम ऐसे ही बुन लेंगे, फिर ये पूरे सिलाई ऐसे ही बुनते जाएंगे। उल्टे पूरी सिलाई बुन ली, अब हमारे पास ये तीन फंदे बचे हैं, अब ये दो फंदे हम एक साथ फिर बुन लेंगे इस तरह से। फिर ये पट्टी को पीछे को पलट लेंगे और इस फंदे को उतार लेंगे। अब इस तरह से हमारे दो फंदे घट गए हैं। ऐसे ही हम एक एक करके फंदे घटाते जाएंगे, लास्ट में जब हमारा एक फंदा रह जाएगा जब हम इसको बंद कर देंगे, जैसे हमने इसमें किया हुआ है। एक एक फंदे घटते घटते हमारे पास लास्ट में एक फंदा बचा है। इसी तरह उठा के हमने ये तीन साइड बनाए हैं, अब एक साइड रह गया। इसको कैसे उठाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे हम ये इसको बांध लेंगे इस कपड़े पर, यहाँ पे बांधने के बाद इस तरह से जितने भी ये छोटी सी फली बनी हुई है सब में एक एक फंदे उठाते जाएंगे। हमने इसमें 25 फंदा डाला है तो पूरे 25 फंदे हम उठाएंगे। 25 फंदे उठा लिए हैं।
अब फिर इसको ऐसे ही पूरी सिलाई उल्टी उल्टी पहले बुन लेंगे। लास्ट में जब यहाँ पे तीन फंदा रह जाएगा तो फिर वैसे ही हम दो फंदे का एक कर लेंगे, एक फंदा यहाँ पे घट जाएगा। इसमें ये हमेशा ध्यान रखना है, हम इसको इधर से नहीं घटाएंगे, ये इसका इस साइड से घटा है तो इसका इस साइड नहीं घटाएंगे, सबका अपोजिट साइड है, तो ऐसे ही इसका भी इस साइड से नहीं घटेगा, इस साइड से घटेगा। इस वजह से पहले पूरी सिलाई हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे, लास्ट के तीन फंदे रह जाएंगे जब फिर हम घटाएंगे। हमने पूरा बुन लिया, हमारे पास ये तीन फंदा बचा है, अब ये दो कर एक कर लेंगे, जैसे हमारे एक फंदा घट गया। अब इस पट्टी को पीछे करके इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे उल्टा उल्टा फिर बुनते जाएंगे। ये सिलाई उल्टी उल्टी पूरी हो गई है, अब इसको पलट लेंगे वापस, फिर वैसे उल्टा उल्टा पूरी सिलाई बुनते जाएंगे। ऐसे उल्टी उल्टी बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ तीन फंदे लास्ट के जब रह जाएंगे फिर वापस वैसे जैसे पहले दो फंदे का एक किया था वैसे ही बुनते जाएंगे। ये पूरा इसी तरह हम बना के तैयार करेंगे। अब ये हमारे तीन फंदे रह गए हैं, ऐसे दो फंदे का एक करके बुन करके ऐसे, अब ये हमारे दो फंदे घट गए। अब इसको पलट लेंगे और इस फंदे को उतार लेंगे और सिलाई को भी पलट लेंगे, फिर ऐसे उल्टा बनाते जाएंगे। ऐसे एक एक फंदे घटते घटते लास्ट में एक फंदा बच जाएगा। जैसे हमने ये तीनों तैयार किया है ऐसे इसको भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये फली आ रही है तो इसमें से फंदे उठाना इजी होता है। अगर हम ये यहाँ पे नहीं घटाएंगे, अगर यहाँ पे घटाएंगे तो फंदे उठाने में प्रॉब्लम होगी। अब इस ये दो फंदे यहाँ बीच में घट जाते हैं और ये एक फंदा रह जाता है, तो यहाँ पे ये फली बनती है, इस तरह से फली बनती है जिससे इसमें फंदे आराम से उठ जाते हैं। अब इसको भी हम पूरा करके फिर दिखाते हैं। हमारा ये त्रिकोना बन करके तैयार हो गया, लास्ट में एक फंदा है। अब इसको हम यहीं पर इसमें से निकाल के इस तरह से इसको यहाँ पे बांध देंगे, बांध करके इसको कपड़े को हम काट देंगे। ये हमारा ही इस तरह से ये चारों साइड का बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम अब इस साइड से फंदे उठाएंगे, यहाँ से अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगा के फंदे उठा रही हूँ। यहाँ पे दूसरा कलर लगा के सर से फंदे को उठा लेंगे हम। अब इसी तरह हम ये सारे फंदे यहाँ पे उठा लेंगे, पूरे 25 फंदे उठा कर। ऐसे ही पूरे 25 फंदे उठा लेंगे, फिर उसके बाद आगे बनाएंगे। हमने ये पूरे 25 फंदे उठा लिए हैं, अब दो सिलाई हम उल्टी उल्टी पहले सबसे पहले बनाएंगे, से उल्टी उल्टी दो सिलाई हम निकाल लेंगे। हमारी ये उल्टी सिलाई बन गई है, अब ये दूसरी सिलाई भी हम ऐसे उल्टी उल्टी ही निकालेंगे। हमने ये
छोटी सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम पहले इसमें एक साइड से ही फंदे घटे थे, अब इसमें हमें दोनों साइड से फंदे घटाने हैं। तो अब ये दो फंदे हम एक साथ बुन लेंगे, फिर पूरे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये पूरे फंदे बुन लिए, अब ये लास्ट के दो फंदे इनको भी हम एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों साइड एक फंदा इस साइड, एक फंदा इस साइड, दो फंदा घट गया। फंदा हम हमेशा उल्टी साइड से ही घटाएंगे, सीधे साइड से नहीं। फिर ये पूरी सिलाई वैसे उल्टी उल्टी बना लेंगे। हमने पूरी सिलाई बुन ली, अभी इस पट्टी को, कपड़े की पट्टी को पीछे उकर के ये फंदा ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, फिर यहाँ पे भी दो फंदा एक साथ बुन लेंगे। ऐसे ही दोनों साइड से एक एक फंदे बुनते जाएंगे उल्टी साइड से, ऐसे ही पूरा बना के तैयार कर लेंगे। हमने ये दोनों साइड से एक एक फंदे जो घटाए थे, ये दोनों साइड से घटाते हुए हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पे लास्ट में एक फंदा बचा था, हमने इसको यहाँ पे गांठ लगा दी है, अब ये बनकर तैयार होगा। इनमें हम एक एक फंदे घटाए थे, एक साइड से, इसमें सिर्फ इसमें दोनों साइड से फंदे घटे हैं। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे, दूसरा कलर लगा के फिर यहाँ से हम फंदे उठा लेंगे। अब यहीं पे जो इसको हमने बनाया इस साइड से नहीं, ये ऐसा रहेगा इस साइड से, फिर हम यहाँ पे 25 फंदे उठा लेंगे। पूरे यहाँ तक हम 25 फंदे उठा लेंगे। हमारा ये तिकोना बन करके तैयार हो गया, इसमें हमने जो एक एक साइड एक एक फंदा दोनों साइड से घटाया था, अब ये बन करके पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, अब यहाँ से ये दूसरा कलर हम लगा के फिर इसमें जैसे पहले उठाए थे फंदे वैसे ही 25 फंदे अब यहाँ पे फिर उठाएंगे इसमें हम। ऐसे ही करते हुए हम पूरे 25 फंदे इस साइड से भी उठा लेंगे। कहीं हर जगह हमें जो 25 फंदे उठाने हैं ऐसे ही उठा के, जैसे हमने ये चारों कोने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे इसमें ये तिकोना बनाया है इसमें ये फंदे उठा लिए हैं, और फिर इसी तरह। तो अब इसी तरह से हम पहले 25 फंदे उठा लेंगे, पूरे 25 फंदे यहाँ पर भी हम उठा के फिर आपको बताते हैं। हमने ये 25 फंदे उठा लिए हैं, अब सबसे पहले दो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाल बुन लेंगे। अब ऐसे ही दो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ सबसे पहले निकाल लेंगे, दो उल्टी सिलाइयाँ पूरी बन जाएंगे, उसके बाद फिर हम बताते हैं कैसे घटेगा। हमने ये दो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुन ली हैं, अब ये पूरी सिलाई बुनते हुए यहाँ तीन फंदे रह जाएंगे, जब तक ये बना लेंगे। हमने पूरी सिलाई बुन ली, अब हमारे ये तीन फंदे रह गए, अब ये दो फंदे एक साथ बुन लेंगे।
कंधा हमारा घट गया है। अब इसको ऐसे बुन लेंगे, फिर वापसी में अब ये बुनेंगे नहीं, ऐसे उतार लेंगे। फिर इस पट्टी को आगे को पलट लेंगे और सिलाई इस तरह से पलट के फिर ये उल्टी उल्टी पूरी सिलाई बुनेंगे। जैसे हर बार इसको एक एक फंदे इधर से घटाते थे, अब इसमें एक एक फंदा हर बार घटता जाएगा। इस साइड से इसमें नहीं घटेगा, सिर्फ ये कली है इसमें दोनों साइड को घटता है, इसमें भी सिर्फ एक साइड से इधर से घटता जाएगा। अब हमारा एक फंदा यहाँ पे घट गया, अब हमारे पास 24 फंदे रह गए। अब हमने ये पूरी सिलाई दोनों साइड से उल्टी निकाल ली है, अब हमारे ये तीन फंदे रह गए। अभी उसी तरह से हम दो फंदे एक एक साथ बुन लेंगे तो ये एक फंदा हमारा फिर घट गया। अब ये हमारे दो फंदे घट गए, अब हमारे पास 23 फंदे रह गए। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी कली, ये कली पूरी करके एक फंदे जब रह जाएंगे तब आपको दिखाते हैं। हमारी ये कली बन करके तैयार हो गई एक एक फंदे घटाते हुए। अब हमारे पास ये एक फंदा बचा हुआ है, अब इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। इसमें इस तरह से निकाल करके यहाँ पे ऐसे इसको बंद करके ये काट करके निकाल देंगे हम। और फिर वैसे ही अब यहाँ इस साइड से एक एक फंदा उठाते हुए फिर 25 फंदे हम यहाँ पे उठाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है। इसी तरह इस साइड से 25 फंदे पूरे उठा लेंगे। हमने ये 25 फंदे उठा लिए हैं, अब उल्टी उल्टी दो सिलाइयां हम पहले बुन लेंगे। सबसे पहले इस तरह से उल्टी उल्टी दो सिलाइयां बुन लेंगे। हमने ये दो सिलाई उल्टी उल्टी बना ली, अब एक फंदा हमारा रह गया। इस पट्टी को हम आगे को पलट लेंगे, फिर इस फंदे को उतार करके ये सिलाई को पलट लेंगे। सिलाई को पलटने के बाद यहाँ से ये फंदा उठा, इस ये जो यहाँ की ये फली है इसमें से एक एक फंदे उठाते रहेंगे। उठा करके ये इसमें की ये जो फंदे उठाए हैं और ये एक फंदा है, दोनों एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो ये फंदा हमारा घट गया। अब फिर जैसे हर बार कली में एक एक फंदा घटाते हैं, वैसे यहाँ पे भी ऐसे ये फंदा घटा लेंगे और फिर पूरा ऐसे बुन लेंगे। जैसे उस बार उठाया था वैसे ही ये फंदा ऐसे उठा के दोनों एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। अगर अलग अलग बुनेंगे तो ये फंदा बढ़ जाएगा और फिर दूसरा फंदा ऐसे वो भी ऐसे बुन लेंगे दो एक साथ, तो एक फंदा हमारा घटता जाएगा। ऐसे ही हम पूरी कली को तैयार कर लेंगे। अब हमारे इसमें दो फंदे घट गए, अब ये 23 फंदे हमारे पास रह गए। ऐसे ही ये पूरा इसके साथ जुड़ता चला जाएगा और फंदा हमेशा उल्टी साइड से ही घटाएंगे, सीधी साइड से नहीं। ऐसे ही मैं ये पूरी कली तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा इस तरह से एक एक फंदे साथ साथ घटाते हुए ये पूरा हो गया। हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है, अब इस तरह से सिलने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही सिल गया और हमें कहीं भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा पायदान इस तरह से बन के तैयार हो गया। इसमें हम कहीं भी सुई धागे से सिलाई नहीं करेंगे। ये ऐसे इसमें ये 25 फंदे, जितने भी फंदे का ये डालना है उतने फंदे यहाँ पे डालो और उतने ही फंदे हर जगह उठाते रहना है। सिर्फ ये और ये चार कली हैं ऐसे जिनमें कि दोनों साइड से फंदे घटे हैं, बाकी सब में एक एक साइड से ही फंदे घटे हुए हैं। हमारे ये पायदान के वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।